ये जितना भी जोर लगा लें 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन इसी साल निगरा हुकूमत के तहत होंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्ला का फैसलाबाद में खिताब, कहा नून लीग ने पहले दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया, इस बार हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। मुल्क भर में इलेक्शन की मुतफिका तारीख पर इत्तेफाक पैदा करने का मिशन, जमात इस्लामी का ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। पीटीआई ने जमात इस्लामी से मुजाकरात के लिए परवेज खटक, एजाज चौधरी और महमूद रशीद पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। साबिक हुकूमत ने पंजाब की तरक्की का सफर दानिस्ता तौर पर रोका, सूबे के अवाम से नून लीग की हिमायत का इंतकाम लिया गया। वजीर आजम की तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू, जारी मनसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आजम ने चीनी की स्मगलिंग, जखीरांदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की मंजूरी भी दे दी। और मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यापाल के इंकशाफात ने पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के मौकिफ की तस्दीक कर दी। आलमी बरादरी नोटिस ले तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मुतालबा कर दिया, कहा वक्त आ गया है कि पुलवामा हमले के बाद इलाकाई अमन मुतासर करने वाले इकदाम पर भारत को जवाबदेह ठहराया जाए।